जय श्री राम। मित्रों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम निकल पड़े उज्जैन दौरे पर। जी हां, हम सब जानते हैं चुनावी वेला है और आज का हमारा चुनावी दौरा उज्जैन का है श्री राम आनंद पैनल के साथ। जी हां, उज्जैन में काफ़ी जनसंपर्क करना है और हरियाली के बीच आप देखते जाएँ कि किस प्रकार बस में भी चर्चा का दौर चल रहा है, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, क्या क्या नीचे बतानी। और जी हाँ, हम अब शिप्रा नदी के पास आ गए हैं और शिप्रा नदी के दर्शन तो आप करेंगे ही और साथ में चूँकि आज शनिवार है तो प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट स्थित शनि मंदिर के दर्शन कर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। मित्रों, श्री राम आनंद पैनल का आज का पहला पड़ाव मांगलिया था, जहाँ मतदाताओं से जनसंपर्क किया। उसके पश्चात शिप्रा में घन जनसंपर्क का दौर चला, जहां स्थानीय मतदाताओं समाजजनों ने मिलजुल कर पैनल का स्वागत किया और उनकी बात भी सुनी। भगवान शनि महाराज की पूजा अर्चना कर पूरी पैनल उज्जैन की ओर बढ़ी, जहां लंबा जनसंपर्क चला। हमारे साथ देखिए इस जनसंपर्क की चित्रमय झलकियां और जनसंपर्क में जिन महानुभाव और सज्जनों ने विचार प्रकट करे वो भी हमारे साथ देखते रहिए। वैसे तो मैं इंदौर उज्जैन में कोई फर्क नहीं मानता, इंदौर वाले भी सब अपने हैं, आप सब मेरे अपने हैं, उज्जैन और इंदौर में कोई अंतर नहीं है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, अपन सब एक दूसरे से बंधन में हैं, कोई फर्क नहीं है। अब ये तो ठीक है कि चुनाव आते हैं, पैनल अलग अलग बनते हैं और सभी पैनल में अपने पराए सब हैं, पराए कोई भी नहीं है, सब अपने हैं और सबको आशीर्वाद है। विशेषकर आप जो सब पधारे हैं, मेरे अपने हैं श्री राम आनंद पैनल, आप सभी लोगों को मेरा पूर्ण आशीर्वाद है, सब सफल हों ये मेरी कामना है। चलो बताइए, आज श्री राम आनंद पैनल के प्रत्याशी से संपर्क हुआ, मेरी शुभकामना है कि श्री राम आनंद पैनल इस निर्वाचन में विजयी हो और पूर्व से ही इस पैनल का रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने समाज सेवा में अपना और पेढ़ी के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मेरी शुभकामना इनके साथ है, ये विजयी हो, सभी प्रत्याशी विजयी। इंदौर में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की सबसे पुरानी पीढ़ी के चुनाव जल्द होने वाले हैं 8 सितंबर को, और उसमें जो पैनल भाग ले रही है उसमें श्री राम आनंद पैनल आज उज्जैन दौरे पर है। उज्जैन दौरे पर हमारे साथ जोशी जी मौजूद हैं, जो कि श्री गौड़ ब्राह्मण समाज उज्जैन के अध्यक्ष हैं। जोशी जी, आज पूरी पैनल आपके साथ घूमी है, आपके घर आई है, क्या आप उनको शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? हमारे साथ में उज्जैन में जो आनंद पैनल आई है ये पुरानी पैनल है और इसको सभी को सहयोग करना चाहिए और इन्हीं को जिताना चाहिए कि आज करोड़ों की पेड़ी हो गई है और किसी प्रकार से इनके ऊपर दाग नहीं लगे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे समाज को एकजुट होकर आनंद पैनल को विजय बनाए और आशीर्वाद दें। अशोक जोशी जी, आज पूरे दिन आप उनके साथ में रहे, सारे लोग मतदाताओं से मिले हैं, उज्जैन के जो मतदाता समाज जन श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के, वो क्या सोच रहे हैं इन चुनाव के बारे में? इस चुनाव के बारे में ये सोच रहे हैं कि आनंद पैनल एक अच्छी समृद्ध और बहुत बढ़िया पैनल है, इसका सहयोग करना चाहिए और सभी हर तरह से समाज के लोग आनंद पैनल के साथ में हैं और सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मित्रों, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज उज्जैन के अध्यक्ष श्री अशोक जोशी पूरे अभियान में समन्वयक के रूप में श्री राम पैनल के साथ रहे और समाज जनों से मुलाकात कराते रहे। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये पैनल अब देवास की ओर जा रही है और देवास में भी एक घन और बड़ा महत्वपूर्ण जनसंपर्क हुआ है जो कि आपके देखने लायक है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।